हेलो ऑल, आज हम देखेंगे कि मेटल कटिंग करते वक्त या मशीनिंग करते वक्त कौन कौन से फोर्सेस टूल पे एक्ट करते हैं। तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ले रहे हैं, लेथ मशीन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये हमारा वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसको हमें लेंथ वाइज मशीनिंग कर रहे हैं, यानी कि हम टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये हमारा टूल। तो हम जनरली देखते हैं कि टूल का ट्रेवल मूवमेंट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, यानी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस टूल ट्रेवल आपका इस तरफ हो रहा है। और फीड दे रखा है हमने, और डेप्थ ऑफ कट दे रखा है, और फीड देते जा रहे हैं। अब इस टाइम पे टूल पर कुछ फोर्सेस लगते हैं, वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो टूल वर्कपीस पे भी फोर्स लगाता है, और फोर्स तो वर्कपीस भी टूल पर वापस फोर्स लगाता है। तो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला फोर्स जो है वो है फीड फोर्स और कटिंग फोर्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखिए फीड फोर्स जनरली एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसे थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, तो थ्रस्ट का टी आ जाता है एफ टी, और फीड फोर्स भी कह देते हैं। ये लगता है हमेशा जब टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, तो वर्कपीस की जो डायरेक्शन है, वर्कपीस का एक्सिस देखिए, ये वर्कपीस का एक्सिस, तो वर्कपीस के पैरेलल की डायरेक्शन में आपका टूल जो है वो मूव करता है। तो जब टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा तो टूल की डायरेक्शन जैसे इस तरफ है, वर्कपीस के टुवर्ड्स जा रही है, तो नेचुरली वर्कपीस जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि फीड फोर्स लगाएगा या थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, वो बिल्कुल टूल के पैरेलल लगाएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगाएगा और इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस टूल कि इस डायरेक्शन को हम कह रहे हैं फीड फोर्स। तो ये पैरेलल लगता है हमेशा वर्कपीस के, और ये इस तरह से लगता है पैरेलल वर्कपीस के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं या फीड फोर्स बोल देते हैं। तो इट इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। और रेडियल फोर्स क्या है, जो टूल है, टूल के जैसे ही आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सिलेंडर के रेडियली आपके टूल की टूल की एक्सिस के अलोंग लगेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बट टूल की डायरेक्शन में, टूल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगेगा और टूल की तरफ लगेगा। तो ये रेडियली रख रहा है, देखिए आपके अगर ये सिलेंडर है आपका वर्कपीस का, तो इसके रेडियली आपका ये इस डायरेक्शन में लग रहा है इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये आपका जो टूल का है, इसको एफ टू द बेस आर बोलते हैं। आर इसलिए आ रहा है क्योंकि रेडियल फोर्स है, इट इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस बट टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द टूल, टूल के एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और आउटवर्ड की तरफ। थर्ड फोर्स जो होता है वो है कटिंग फोर्स, इसको एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा वर्टिकल प्लेन में लग रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि आपका देखिए वर्क पीस जब रोटेट करते हुए आ रहा है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है ऊपर से देखिए नीचे एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये टूल पे कॉन्टेक्ट में आएगा तो नीचे की तरफ, क्योंकि कटिंग वेलोसिटी आपकी वर्क पीस की है, तो जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और ये क्योंकि कटिंग स्पीड है आपकी वर्कपीस जिस स्पीड से रोटेट करते हैं उसको कटिंग स्पीड कहते हैं वीसी, और उस कटिंग स्पीड की वजह से ये नीचे की तरफ टूल को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफसी, वर्टिकल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल के बिल्कुल टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स या फिर वर्टिकल फोर्स कह देते हैं, एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन में लग रहा है, एंड इट इज टेंजेंशियल टू द वर्कपीस के टेंजेंट है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर दिए, तो इसे हम कटिंग फोर्स एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखें इस डायरेक्शन में, तो हमने तीन फोर्सेस देख लिए हैं। अब इसमें हमने दो तीन फोर्सेस देख, एक है एफआर यानी रेडियल फोर्स, ये आपका फीड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, और नीचे की तरफ कटिंग फोर्स। ऑल द थ्री फोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डिफरेंट एक्सिस की तरफ है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। अब हमने तीनों का रिजल्टेंट निकालना है कि टूल पर टोटल फोर्स कितना लगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से, तो वो एक क्यूब बनेगा, और उसकी इस कॉर्नर से, क्यूब के इस कॉर्नर से डायगनली ये जा रहा है। देखिए अगर इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाऊं, तो ये डायगनली इस तरह से जा रहा है, और ये दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गया, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ एफ टी, एफ आर एंड एफ सी, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ, अगर हम देखें, बिकॉज तीनों मर्ज पर ही परपेंडिकुलर है, तो जब आप निकालेंगे इसका, बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो एफ आर का स्क्वायर एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। तो ये जनरली हमारे तीनों फोर्सेज जो लगते हैं वो हमारे थ्री डायमेंशनल में लगते हैं, यानी ऑब्लिक कटिंग में, जब हम ऑब्लिक कटिंग यूज करते हैं। लेकिन अगर ये टू डी हो जाए, तो उसमें ये एफ आर की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, तो एफ आर नहीं लगता है, तो सिर्फ तब हमारा क्या लगता है, सिर्फ एफ टी एंड एफ सी लगता है। तो उसके रिजल्टेंट जो होता है वो फिर इस तरह से इस डायरेक्शन में बनेगा, इस कॉर्नर तक। देखिए एफ टी ये रहा,
एफ टी ये रहा और एफ सी ये रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा क्योंकि एफ आर उस टाइम पे जीरो होगा। किस केस में? ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में, यानी टू डायमेंशनल, जिसे ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं, टू डायमेंशनल कटिंग कहते हैं, उसमें सिर्फ एफ टी और एफ सी लगता है क्योंकि एफ आर की वैल्यू उस केस में जीरो हो जाती है, क्योंकि आपका ये कटिंग एज जो है ये सीधा हो जाता है ऐसे परपेंडिकुलर, तो नेचुरली कोई रेडियल फोर्स लगेगी नहीं, तो एफ टी और एफ सी का उस टाइम पे रिजल्टेंट क्या हो जाता है ये, और तब उसके रिजल्टेंट की वैल्यू अगर उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आर तब क्या हो जाएगा, सेम रहता है बस एफ आर आपका हट जाता है एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। अगर आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा ये, या डायगनली, क्योंकि ये एफ टी है ये एफ सी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो ये कॉर्नर तक जाएगा एफ आर, तो तब उस केस में टूडी के केस में ये बन जाता है। तो यही आपको इसमें समझाया गया है या आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाकी हम डिस्कस बाद में करेंगे, इतना ही आपको भी समझना है, थैंक यू।